जिसकी जितनी आयु हो गई खुद से सवाल करिए, 10 साल जीते हो गया, 20 साल जीते हो गया, 40 साल जीते हो गया, 60 साल जीते हो गया, मिल गया तृप्ति, ऐसी स्थिति पा लिए क्या कि अब कुछ पाने का मन नहीं होता? नहीं, वो सब काम कर लिए क्या कि अब कुछ करने को शेष नहीं बचा? संसार में जो कुछ करते हैं ना वो कभी खत्म नहीं होता है। हे भगवान हमारे लयिका हो जा, अच्छा ठीक है हो जाए, ओकरे बाद का हम मस्त जिंदगी जिए, भजन कर, अब लयिका हो गए तब लयिकवा का अच्छा नौकरी लाग जा, एक ठो बढ़िया होके दुल्हन मिल जा, भगवान का ठीक है। तो पंडित जैसे ही समय अगर रहा है तो बहुत भजन वजन करते रहे। विष्णु भगवान के दरबार में नारद जी देखे कि बहुत बहुत बड़े अच्छे भजनानंदी हैं पंडित जी, तो विष्णु भगवान से कहे कि ऐसा है, नारद जी बोले कि वो इतना अच्छा भजन करता है, वो गांव में काहे रखे हैं? नारद जी से विष्णु भगवान बोले अच्छा ठीक है, तुमको बड़ी कृपा करनी है ना, जाओ और पंडित जी को लेके आओ। तो पंडित जी के पास आ गए नारद जी। नारद जी बोले पंडित जी अब चलिए ऊपर, हाँ ऊपर से बुलावा आया है, कहाँ? स्वर्ग लोक में भगवान के साथ हम रहेंगे। तो बोले देखो भाई नारद जी, सब तो ठीक हो गया है, बस वह लड़का हुआ है, उसकी नौकरी लग जाए, उसके बाद चल चलेंगे आपके साथ। तो नौकरी लग गया, फिर नौकरी लग गया तो नारद जी टपक पड़े, बोले कि नौकरियां लग गया आप चला जाए स्वर्ग में। बोले भाई नौकरियां लगा है पर तो ये आ जाए तो अच्छा है। तो कह कितना साल में पतोहिया आई? बस 2 साल में आ जाएगी, खोज रहे हैं बढ़िया पतोही, लोग खूब बढ़िया बढ़िया पतोही खोजते हैं, टार्च मार मार के देखते हैं। हम तो ये जानते पतो हुए बढ़िया जो कपार दबावे, सासू का गोड़ दबावे, नहवावे, मांगे में सिंदूर भरे, गोड़ रंगे होकर एकदम दुल्हन नहीं सजा सजा के पुतरी के लेके रखे लेना, ऐसा जमन पतोही सास को सेवा करे वो पतोही नीक, और बाकी पतोही सब बेकार। जे माई के लड़का के लेके फुर्र हो जा वो कोनो मतलब का नहीं। पंडित जी बोले कि बस पतोही आ जाए, पतोही आ गए। तो सुनो ध्यान से इधर, हाँ बात नहीं करना है। फिर नारद जी टपक पड़े, दुल्हन ना आ गया तेरे लड़का कब चलो ऊपर? भाई अभी तो दुल्हन आईला, नातिक मुना ही देखा, नदिया का चेहरा देख लेते हैं। तो फिर उसके बाद नाती हो गया, फिर नारद जी आए। तो भाई नारद नाती अभी छोट है, ओके खिला वाला क्यों बटले नहीं के पतो हमारे परेशान हो जाती है, खाना बनाए के लड़का संभारे। तो अभी हम लड़का संभारने में व्यस्त हैं। फिर नारद जी आए, लड़का तो हर बड़ा हो गया है नतिया, चलो ऊपर। बोले भाई उसको पढ़ाने लिखाने दो, ठीक है थोड़ा बड़ा हो जाए, जिम्मेदारी समझने लगे। नारद जी आ गए, फिर अंत में झुलझुला के बोले पंडित जी तो ये और क्यों नहीं मिलते, खाली अमर ये पीछे पड़ा बड़ा भूते नहीं है क्या बाबा मेरी दुआरी से? ये संसार, संसार का मोह माया, ऐसा आदमी घुसल पड़ल बाकी निकलने का क्यों कितनों कोशिश करे क्यों निकलना ही चाहते। जब तक आप निकलना नहीं चाहेंगे ना तब तक आपको कोई नहीं निकाल पाएगा, साक्षात ब्रह्मा जी भी। तो खुद ही समझना है इस बात को कि नहीं पढ़ना है संसार। देखो सिंपल सी बात अम्मा लोग समझ लीजिए, जो बड़े अम्मा लोग हैं ना जिनकी उम्र 55, 60, 40, 45 हो गया, जब लड़के को ना उन्हें पढ़ा लिखा के 18 साल का कर दिया ना तो उसमें दम होगा ना, तो अपने आप को काबिल बना लेगा, पैरों पर खड़ा कर लेगा, जी लेगा जिंदगी। जीवन भर के लिए ठेका मत लीजिए, लड़का का ठेका, लड़का के लड़का का ठेका, ये पूरा जीवन चल जाएगा और अपना जीवन का कल्याण नहीं हो पाएगा। तो गोकर्ण जी समझाते हैं कौन पुत्र किसका पुत्र, कहीं इस चक्कर में पड़े हुए हैं, सब आप ही करते हैं, इतने बड़े आप हो गए हैं, भगवान जिसको जीवन दिए ना उसको रास्ता भी दे देंगे। और यही सच है, हम लोग इस वहम में रहते हैं कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे होते हैं। हर व्यक्ति का कर्मफल जुड़ा हुआ है, जैसा जिसका कर्मफल है वैसे ही उसकी स्थिति है।